अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आज हम बनाएंगे ज़रदा चावल, जो बहुत आसान है और इजी भी बन जाता है। लेकिन मैं आज आपको अपना तरीका बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहले हम चावल बॉयल करेंगे। ये मैंने चावलों के लिए पानी रख लिया हुआ है, इसको उबाल आना शुरू हो गया है। इसमें मैं डालूँगी एक छोटा सा पीस दालचीनी का, ये तीन लौंग और एक बड़ी इलायची। अब अच्छी तरह इनको उबाल आ जाए, ये इसका रस निकला है, फिर मैं इसमें चावल डालूंगी और साथ में दो चम्मच ऑयल के डालूंगी। ये हमारे पानी को उबाल आना शुरू हो गया, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि ये हमारे चावल खिले खिले रहें। और साथ ही हम इसके डाल देंगे ये आधे नींबू का जूस है और इसका छिलका भी। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी, ये लौंग इलायची और दालचीनी से इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है जर्दे में। जब तक हमारे चावल उबाइल होते हैं हम इसके साथ शीरे की तैयारी करते हैं। अब हम इसका शीरा बनाएंगे। मैंने ये एक प्याली चावल की ली है भर के, तो मैं उससे थोड़ी कम चीनी लूँगी। ये वाली एक कटोरी मैंने चावल की ली है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और एक कप दूध मलाई वाला, ये भी मैं इसी में डाल दूँगी। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। दूध में चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चावल हमने मुकम्मल बॉयल नहीं करने, बस थोड़े से हमें नरम चाहिए जैसे ये हो गए। अब मैं एक कढ़ाई में थोड़ा देसी घी डालूंगी। चावलों के हिसाब से मेरे एक प्याली चावल है तो मुझे इतना ही घी काफ़ी है। तीन छोटी इलायची, अब यह हम चीनी और दूध डाल देंगे। अब हम ये चीनी और दूध को हल्की आंच पे पकने देंगे थोड़ी देर। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाए और इसको उबाल आना शुरू हो जाए फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। ये देखिए अब इसमें चीनी हल हो गई है, इसमें अब हम चावल डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको अभी हम पकने देंगे ऐसे चावलों को 3-4 मिनट।
फिर हम इसको दम लगाएंगे इसके ऊपर फूड कलर डाल के। जैसे ही चावलों का पानी खुश्क हो गया, ये देखें दूध और शीरा जो हमारा बना हुआ था वो खुश्क हो गया है, इसमें जज्ब हो गया है। अब हम इसे फूड कलर डाल देंगे इसके ऊपर। और ये मेरे पास कुछ बादाम और किशमिश है, मैं वो डाल दूंगी ऊपर से। अब मैं इसे हल्की आंच पे दम लगा दूंगी। मैंने ये इसे दम लगा दिया है। मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने ये खेवड़ा वाटर में कलर भिगोए थे, ये जो फूड कलर है ना मैंने खेवड़ा वाटर में डालकर इसमें डाले हैं। और हम इसे 5 या 10 मिनट का दम लगाएंगे, चावलों को चेक कर लेंगे, फिर हम इसका दम खोलेंगे। माशाल्लाह देखें ये हमारा जरदा कितना खिले खिले चावल बने हैं। मेरे पास 2 कलर ही थे फूड के, येलो और ग्रीन, मैंने वही डाल दिया। आप भी ऐसे बनाएं, आपका जरदा भी बहुत अच्छा बनेगा मेरे तरीके से। इसको बनाएं, एंजॉय करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। ये मैंने आपको प्लेट में भी निकाल के दिखा दिया है, ये देखें चावल। अब मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।